हरियाणा के रेवाड़ी में बिजली कर्मियों पर लाठी डंडों से हमला करने का मामला सामने आया है। वारदात के बाद घायल बिजली कर्मियों को शहर के ट्रामा सेंटर में पहुंचाया गया। नमस्कार, दैनिक साथी से मैं खुशबू राव। हुआ यूं कि रेवाड़ी बिजली निगम के सीए मंजीत यादव व अन्य बिजली कर्मी दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित हंस रिजोर्ट में चल रहे शादी समारोह में कन्यादान करने के लिए गए थे। बिजली कर्मियों की माने तो यहाँ पर पार्किंग में अज्ञात युवकों ने उन पर लाठी डंडों से हमला करने के साथ गाड़ी में तोड़फोड़ की। अब आपको दिखाते हैं किस तरह से वारदात के बाद ट्रामा सेंटर पहुंचे बिजली कर्मियों ने अपनी पीड़ा बताई। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मंजीत यादव है जी। ये पूरा मामला कैसे क्या हुआ? मामला क्या हुआ, हमारे एक साथी के साथ शादी थी सिस्टर की, हम उसे कदम डालने गए थे। हमने हमारी गाड़ी अंदर खड़ी कर दी और चार पाँच आदमी आए, उन्होंने आके हमारी गाड़ी पे हमला कर दिया। उन्होंने पूछी की क्या बात है, हमने पूछी क्या बात है, बोला आपने हमारी गाड़ी पे वो कर दिया, ये कर दिया, आपके सामने हमारी गाड़ी है। उन्होंने हमारे सब चार पांच आदमी सबको चोट मारी, हमारी पूरी गाड़ी फोड़ दी। हमने पुलिस को फोन किया, 112 नंबर पे कॉल किया जी। उनसे हमारी बात भी हुई, उन्होंने कहा कि भाई हम आ रहे हैं, आ रहे तीन बार तो आ रहे हैं। चौथी बार जब बात हुई वे बोले कि आप गेट पे आ जाओ, जब हमारी गाड़ी फूटी पड़ी है, हमारी सभी को चोट लगी पड़ी है, हम गेट पे जाएंगे। हमने कहा कि भाई आप हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी है, लोकेशन भेज देते हैं, आप यहाँ आ जाओ। उन्होंने फोन काट दिया, उसके बाद हमारी उससे कोई बात नहीं हुई। बार बार फोन करने के बाद उन्होंने जिनका नंबर से फोन आया था, हम नंबर दे सकते हैं उनके, उन्होंने दोबारा हमसे कोई संपर्क स्थापन नहीं। फिर हम ट्रामा सेंटर में आए, हमने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई, हमने अपनी मेडिकल की पर्ची कटवाई है। अब जो भी होगा वो पुलिस देखेगी, बाकी हमें पुलिस की हर कार्रवाई में संदेह था। और हंस रोड का जो हालात है, हम पहले भी एक प्रोग्राम में गए थे, वहाँ भी हमारे साथ यही हुआ था, जब भी पुलिस ने हमारा साथ नहीं दिया। और हंस रोड ऐसा एक स्थल बन चुका है कि वो वहाँ के लोकल एरिया के जो भी गिने चुने गुंडे हैं या कुछ भी हैं, हम उनका नाम नहीं सकते, उनमें से एक नाम तो हमने सुना था जो आपस में बात कर रहे थे, जो धर्मपाल का नाम हमारे सामने आया था। वो ज़्यादा उम्र के बंदे नहीं थे, 20 से 25 साल के, उनकी 25 साल के बंदे थे। उनकी CCTV चेक करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। क्या नाम है सर आपका? सर मनोज यादव। कैसे क्या हुआ पूरा मामला? सर हम रिसोर्ट में गए थे, हमारे साथी की लड़की साथी थी और हमें कन्यादान करने के लिए गए थे। जैसे हम रिसोर्ट के अंदर गाड़ी एंट्री करी, वहाँ पर खड़ी करी, 5-7 बदमाश वहाँ पे आए, उन्होंने राड और डंडों से गाड़ी पर हमला कर दिया और हमारे ऊपर हमला कर दिया। हमारे 4-5 साथियों के सारे चोटें आई हुई है। हमने 112 कॉल किया, 112 से कॉल बार बार आया पर बाकी वो हमारे पर तक नहीं पहुँच पाए। फिर मैंने मॉडल टाउन थाना को पुलिस किया, वो बोले हम 30,000 भेज रहे हैं, तब तक वहाँ नहीं पहुँची है और हम ट्रामा सेंटर आए। किसी को चोट भी लगी है? हाँ जी, 5.5 आदमी को चोट लगी हुई थी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमने बार बार आग्रह किया कि आप आओ प्लीज, ठीक है। हमने उनको बोला कि आप हंस रिसोर्ट के बैक में आ जाओ, बोले जी हम गेट के ऊपर खड़े, आप गेट के ऊपर आ जाओ, हमारे ऊपर हमला हुआ, हम कैसे जा सकते हैं वहाँ पे, आप ये बताइए।